मीशो की इतनी सारी ज्वेलरी है जो आइसक्रीम के डब्बे में रिसीव हुई। इस जो जुड़े का प्राइस है वो मीशो पे जस्ट ये बहुत कॉस्टली लग रहे हैं। नेक्स्ट ज्वेलरी है ना, उसमें मेरे साथ फाइनली मीशो ने फ्रॉड कर दिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज की वीडियो में मैं फाइनली एक बार फिर से आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल। बट जो ये ज्वेलरी हॉल है ना वो बहुत ही ज्यादा सस्ता होने वाला है, बिकॉज इस हॉल की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो जस्ट 99 रुपीज है। एंड यू नो कि हमारा मीशो कितना सस्ता है। बट हाँ, मुझे ज्वेलरी किस टाइप से रिसीव हुई है, क्वालिटी कैसी है एंड वर्थ बाइंग है या नहीं, मैं वो सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगी। बस मीशो की इतनी सारी ज्वेलरी है वो भी एकदम सस्ती सस्ती। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस हॉल के लिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, सो जो फर्स्ट ज्वेलरी है हमारी वो मुझे आइसक्रीम के डब्बे में रिसीव हुई है। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी गंदी पैकिंग देखी है, वो भी ज्वेलरी की, क्योंकि मैं ज्वेलरी कितनी भी सस्ती मंगवाऊं बट आइसक्रीम के डब्बे में कौन देता है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर की थी ये वाली ज्वेलरी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी एंड सस्ती भी थी। एंड ये ना सबसे पहले मुझे इसमें मिला है इसका ये नेक पीस जो गोल्डन कलर में है, बट इसका जो ये गोल्डन कलर है ना वो गंदे वाला गोल्डन कलर है। बट इसका लुक ओवरऑल ना ठीक ठाक सा ही आ रहा है, अच्छा लगेगा साड़ी के साथ। इसमें ये छोटे छोटे एंड क्यूट से एयरिंग्स जो बिल्कुल भी नहीं पता चलेंगे कि आपने कुछ वेयर भी कर रखा है। सिंपल से पार्टी फंक्शन के लिए इसका लुक अच्छा आने वाला है। बट इसका जो प्राइस है वो है 99 रुपीज एंड अगर उस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं क्वालिटी की बात करूँ ना तो बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं है, बिकॉज 99 रुपीज में और भी अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। है मेरे पास वो है ये ब्लैक कलर के हुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी शाइन देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्वालिटी में बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड इसका जो लुक है ना पहनने पर वो कुछ ऐसा आएगा, इसके साथ आपको कुछ भी वेयर करने की नीड नहीं है। पार्टी फंक्शन के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। प्लस इस हुप्स का जो प्राइस है मीशो पे वो जस्ट 165 रुपीज है। 165 रुपए में ये बहुत 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 अच्छी क्वालिटी का है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी। फाइनली हमारे बॉक्स में मिल गई, बिकॉज मुझे ज्वेलरी की पैकिंग इसी टाइप के बॉक्स में अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे मंगवाए थे ये वाले इयररिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका लुक देख सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरत है। नीचे साइड इतने झुमका लगे हुए हैं, व्हाइट पर्ल्स का वर्क है। बहुत ज्यादा हैवी या बहुत ज्यादा लाइट वेट नहीं है, वेयर करने पर एकदम कंफर्टेबल है। एंड इसका जो लुक है वो कुछ ऐसा सा आने वाला है। साड़ी पहनो, सूट पहनो, चाहे लहंगा पहनो, हर किसी के साथ ये ज्वेलरी बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगी। इस इयररिंग्स का प्राइस जस्ट 193 रुपीज है। हाँ जी, 193 रुपए में आपको ये इयररिंग्स मिल रहे हैं। एंड अगेन हाईली रेकमेंड कि आपको जरूर एक बार इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है एंड ये बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। गो फॉर इट। नेक्स्ट ज्वेलरी है ना, उसमें मेरे साथ फाइनली मीशो ने फ्रॉड कर दिया। ये कुछ ऐसा सा शो हो रहा था एंड मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इसका बॉक्स देख सकते हो एकदम छोटू सा रिसीव हुआ है। जैसा बॉक्स आया है वैसी ही ज्वेलरी आई है, क्योंकि जो स्क्रीन पे शो हो रही थी ना वो काफी बड़ा साइज लग रहा था, बट जो रियलिटी में आई है ना वो एकदम छोटी छोटी सी इयररिंग्स है। वैसे ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसके ऊपर जो काम कर रखा है ना वो एक अलग ही लेवल का है एंड इसका लुक कुछ ऐसा सा आने वाला है। इसका जो प्राइस है वो 229 रुपए है एंड मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि 229 रुपए में आप ये छोटे छोटे से इयररिंग्स बाय करो। फ्री है वो भी, हमें इसी टाइप के बॉक्स में रिसीव हुई है एंड इसकी पैकिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी आ रखी थी एंड ऑल्सो ये देखने पे इतनी सुंदर लग रही थी मैंने एक नजर में ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले तो ये है इसका नेक पीस जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सेंटर में आपको ये पिंक कलर का वर्क मिल जाएगा एंड ऑल ओवर ये गोल्डन कलर में है। एंड ऑल्सो इसकी जो चेन है ना वो भी काफी ज्यादा सिंपल नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी की है। वेयर करने पर इस ज्वेलरी का जो लुक है ना वो कुछ ऐसा सा आने वाला है। एंड मैं सच बताऊं ना ये बहुत सुंदर लगेगा अगर आप इसे साड़ी के साथ कैरी करोगे तो। पीछे से पॉलिश बहुत अच्छी कर रखी है एंड मीडियम साइज के ना झुमका स्टाइल में इयररिंग्स मिल जाएंगे। एंड इसे तो आप सिंपली भी कैरी कर सकते हो किसी भी साड़ी या किसी भी ना लाइक सूट के साथ। प्लस इस ज्वेलरी का जो प्राइस है ना लाइक इसमें आपको नेक पीस भी मिल रहा है ना आपको इयररिंग्स भी मिल रहे हैं, बट ये ज्वेलरी आपको मीशो पे जस्ट 225 रुपए में मिल रही है। मैं आपको हाईली से भी ज्यादा रेकमेंड करूंगी, वेयर करने पर तो ये अलग ही लेवल का आता है। 225 रुपए में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बट मीशो दे रहा है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सभी ज्वेलरी है ना उनकी पैकिंग कुछ ऐसी आई है, एक दो को छोड़ के, बिकॉज एक दो की पैकिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी आ गई है तो बार बार पैकिंग क्या दिखाना। ये ज्वेलरी ना वेबसाइट पर बहुत अच्छी लग रही थी, बट जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुई है वो उससे
इससे भी ज्यादा अच्छी है। सबसे पहले तो ये है इसका नेक पीस जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, एंड इसका जो ये मिरर वर्क है ना, इसकी आप शाइन देख सकते हो। प्लस इसके जो पर्ल्स है ना वो ग्रीन एंड रेड कलर में है, तो ये हर कलर की ना ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। बट अभी ओपन करते टाइम इसका धागा मुझसे टूट गया। इसका जो लुक है वेयर करने पर वो कुछ ऐसा सा आने वाला है, आपके नेक को भी काफी अच्छे से कवर कर लेगा। प्लस इसके जो इयररिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा छोटे साइज में नहीं है, आप देख सकते हो ये इतने ज्यादा खूबसूरत एंड नीचे झुमका टाइप में लगा हुआ है। एंड इस ऑल ओवर ज्वेलरी का जो प्राइस है ना वो जस्ट 234 रुपए है। हाँ जी, इतनी सस्ती सस्ती ज्वेलरी मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी मस्त मस्त आई है। ये ज्वेलरी है ना वो हर किसी के बजट में रह के मंगवाइए, लाइक मेरा भी बजट ना हिले और आप लोगों का भी ना हिले। नेक्स्ट था ये वाला टीका सेट जो मुझे कुछ इस टाइप से रिसीव हुआ। सबसे पहले तो इसमें आपको मिल जाएंगे इस टाइप के इयररिंग्स ब्लैक कलर में, बट इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है। इसमें आपको कुछ इस टाइप से स्टोन का वर्क मिल जाएगा, बट ये जो सेंटर में स्टोन लगे हुए हैं ना आसपास, ये काफी ज्यादा ना लो क्वालिटी वाले हैं, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाले नहीं है। बट ऑल ओवर इस जो ज्वेलरी का लुक है ना वो कुछ ऐसा सा आने वाला है, एकदम नागिन वाली वाइब आएगी। प्लस इसके साथ आपको कोई नेक पीस वेयर करने की नीड नहीं पड़ेगी। इसमें आपको मिल जाएगा इस टाइप का टीका जो काफी ज्यादा हैवी लुक का है, प्लस ये आपके ना पूरे मत्थे को अच्छे से कवर कर लेता है। एंड इस ज्वेलरी का जो लुक है ना वो कुछ ऐसा सा आएगा। अगर आप इस ज्वेलरी को देखते हो ना दूर से तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, बट जब आप इसे टच करोगे ना तो इसकी क्वालिटी ओके ही है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज ये इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो इसमें स्टोन दे रखी है ना वो काफी ज्यादा लोकल वाले हैं। टीके सेट का जो प्राइस है ना वो जस्ट 275 रुपए है, जिसमें आपको इयररिंग्स भी मिल रहे हैं एंड टीका भी मिल रहा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट ही है, बट क्वालिटी में ये ओके है। अगर आपका थोड़ा कम बजट है देन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली लुक बहुत सुंदर आएगा। बट आपका थोड़ा सा हाई बजट है लाइक 100 रुपए एक्स्ट्रा वाला, तो आप कोई और सर्च कर लेना, मैंने इससे पहले भी दिखाए हैं। जो मैं ज्वेलरी सर्च कर रही थी ना, तो नेक्स्ट मुझे ये वाली ज्वेलरी दिखी थी जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैंने इसके लिए 2 दिन वेट किया, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी। तो सबसे पहले तो ये है इसका ग्रीन कलर का नेक पीस, एंड पास से आप इसकी शाइन देखो कितनी ज्यादा अच्छी है। एंड जो ये मोती लगे हुए है ना ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के है, एंड सेंटर में आपको इस टाइप से वर्क मिल जाता है। इसका जो लुक है ना वो कुछ ऐसा सा आने वाला है, बिल्कुल सिंपल सोबर नहीं लगेगी, काफी ज्यादा रॉयल लग रही है। साड़ी एंड लहंगे के साथ तो मैं क्या ही बताऊं कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। एंड इस मोती की शाइन देखो, आपको ऑटोमेटिक दिख रही है। ये इयररिंग्स देखो भाई, इतने खूबसूरत कि मैं क्या ही बताऊं। इसे तो आप नॉर्मली भी कैरी कर सकते हो, अगर आपको गले का नहीं भी वेयर करना ना, ये ऐसे ही आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। एंड पास से आप इसका लुक देखो एंड शाइन देखो कितनी ज्यादा अच्छी है। आपको एक टीका भी मिल जाता है इस टाइप का, पर जो टीके का लुक है ना वो मेरे ऊपर मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लाइक बहुत सिंपल सा लग रहा है। जो पूरी ज्वेलरी का प्राइस है वो मीशो पे जस्ट 349 रुपीज है, 350 रुपए में आपको इयररिंग्स टीका एंड नेक पीस भी मिल रहा है, जो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्वालिटी में एक नंबर है, कहीं से भी कुछ पॉलिश नहीं निकल रही, पीछे से भी आप देख सकते हो इसका लुक बहुत सुंदर आता है। अगेन अगर आपको पूरा एंटायर करना है ना बहुत अच्छी क्वालिटी में, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मंगवाया था ये ब्राउन एंड रेड कलर का बैंगल जो बहुत ज्यादा सस्ता था। पास से पहले आप इसका लुक देखो कि कितना ज्यादा अच्छा आया है। यहाँ पे है ये ब्राउन कलर का चूड़ा, जिसकी आप शाइन देखो कितनी ज्यादा अच्छी है। प्लस ये जो आप पतली पतली चूड़ियां देख रहे हो ना वो वेलवेट की है। इसमें आपको इस टाइप से कड़े मिल जाएंगे जिसपे कुछ इस टाइप से मिरर वर्क है। मैंने जो साइज लिया है वो है 2-2 एंड इसका लुक बहुत ज्यादा खूबसूरत आता है। एंड अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इस जो चूड़े का प्राइस है वो मीशो पे जस्ट 199 रुपीज है, इतना सस्ता हमारे लोकल मार्केट में कुछ भी नहीं मिलता है। एंड मैं अगेन आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आपको बेस्ट वाले ना चूड़ी स्टाइल में चूड़ा चाहिए ना, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड इसकी शाइन देखो, इसका जो मिरर वर्क है ना ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जस्ट गो फॉर इट। जो लास्ट ज्वेलरी है इस हॉल की वो है ये वाली, बट ये सबसे महंगी ज्वेलरी है इस हॉल की, जो कुछ ऐसी सी शो हो रही थी। तो पहले तो ये है इसके इयररिंग्स जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है झुमका स्टाइल में, एंड आप इसका साइज देख सकते हो। इसका जो वेट है ना वो बहुत ज्यादा ना हैवी नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट वेट भी नहीं है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर साइड ना ये कलरफुल सी चेन भी दे रखी है। इसका जो लुक है ना वो कुछ ऐसा सा आने वाला है, एक हल्दी फंक्शन के लिए ये परफेक्ट ज्वेलरी होने वाली है। एंड अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो बहुत अच्छी है, नीचे साइड से इतने सारे आपको पर्ल्स मिल जाएंगे पिंक एंड येलो कलर में, जो हल्दी में सबसे ज्यादा चलते हैं। मिल जाता है ये बहुत ही खूबसूरत वाला टीका, बट जो टीके का साइज है ना वो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता ना तो मे बी ये और भी ज्यादा अच्छा लगता। ज्वेलरी का जो लुक है ना वो कुछ ऐसा आएगा, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है।
क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बट इस इयरिंग सेट का जो प्राइस है वो 500 रुपए है एंड मुझे 500 रुपए में ये बहुत कॉस्टली लग रहे हैं क्योंकि मैंने इससे पहले मीशो से कुछ भी इतना महंगा नहीं मंगवाया। तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये 500 रुपए में इयरिंग सेट वर्थ इट है या नहीं, मुझे इसे रखना चाहिए या मैं इसे रिटर्न कर दूं। बट अगर मैं इसके लुक की बात करूँ ना तो भाई ये सबसे ज्यादा जबरदस्त लुक आ रहा है एंड आप पास से देखो ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड एक हल्दी फंक्शन के लिए अगर आपका अच्छा बजट है तो मैं आपको कहूंगी इन्वेस्ट कर लो अगर आपको सही लग रहा है तो, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। बट 500 रुपए में मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है, बट फिर भी आप बता देना। तो यार गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये मीशो का ह्यूज एंड चीपेस्ट ज्वेलरी हॉल बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट या मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड इफ यू वॉन्ट कि मैं और भी ज्वेलरी हॉल लेके आऊँ या ब्राइडल सेट लेके आऊँ तो बताना कॉमेंट में। बाय, आई लव यू, बाई।